नहीं उसके एक काम करो पीछे लगाओ, हाँ पीछे पीछे, हाँ ठीक है चलेगा। हाँ माया सब तैयार है ना? चौहान मेरी सारी अरेंजमेंट सब फिट है, फूल पानी स्नैक्स सब तैयार हैं। थैंक गॉड, पता नहीं तुम्हारे बिना मैं क्या करता। नो प्रॉब्लम। अच्छा कैमरास फोन आली? अच्छा कैमरास की पोजीशन फिक्स है, कहाँ पर है? सब कुछ तैयार है सर, यहाँ पर क्रेन पर एक कैमरा लगा है और दूसरा और एक स्टडी कैम में और फिर एक स्टैंड बाय पे। वो केमिकल प्लेटफॉर्म पे बिछा दिया? ओ जॉन वो तो कब का बिछा चुकी हूँ मैं, आधा घंटा हो गया बिछा के। तो इन्फॉर्म करो ना कि कोई भी उस केमिकल के पास ना जाए, बहुत ही खतरनाक केमिकल है पता है ना तुम्हें। चौहान अच्छा सैमसन को इन्फॉर्म कर देना कि वो अपना स्टंट ठीक 2 बजे शुरू करे, अनु मलिक जी यहाँ पर 1:30 बजे पहुंच जाएंगे और वो मुझे तुमसे बात करनी है। श्रुति प्लीज मैं अभी बहुत बिजी हूँ, कैन वी टॉक लेटर? चौहान प्लीज इट इज अर्जेंट, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है इसी वक्त। अच्छा चलो। चौहान बोलो। चौहान मैंने तुम्हें कहा था ना तुम्हें किसी भी हाल में सैमसन को ये स्टंट करने से रोकना है। समझाया मैंने उसको, बहुत समझाया, लेकिन तुम जानती हो ना कि सैमसन एक बार अपनी जिद पे अड़ जाता है तो भगवान भी उसके इरादे नहीं बदल सकता है। चौहान मुझे बहुत डर लग रहा है, एक तो इतना खतरनाक स्टंट है और ऊपर से 30 फीट की ऊंचाई से पानी में छलांग लगानी है और वो भी खुद पर आग लगाकर, यू नो व्हाट आई एम। एक मिनट रुको मैं अभी आया। ये क्या कर रहे तुम लोग, इसको नीचे उतारो। सर बैनर लगा रहे हैं, क्या हुआ? किसने कहा ये बैनर ऊपर लगाने के लिए? मैंने कहा है, मैंने। वाइफ डू यू हैव अ प्रॉब्लम, तुम्हें कोई एतराज है? टेल मी। मुझे क्या एतराज होना भी नहीं चाहिए बिकॉज यू नो नथिंग। इस बैनर का हमें स्पॉन्सर 2 करोड़ देंगे। You know what is 2 crores? हाँ सैमसन, लेकिन ये बैनर तुम्हारे स्टंट के बीच में नहीं आएगा। What rubbish are you talking? सैमसन नाम है मेरा। सैमसन, दुनिया का सबसे साहसी, सबसे बहादुर, सबसे daring इंसान सैमसन। ऐसे बैनर से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सैमसन तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? एक तो ये इतना खतरनाक स्टंट है, ऊपर से इस बैनर की वजह से तुम और खतरा क्यों मोल लेना चाहते हो? अपनी चोंच बंद रखो तुम। Shut your mouth. हर वक्त बोलती रहती हूँ। मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, okay? लेकिन सामने। Do not interfere. Oh God. Come on, Samson. Come on, you can do it. You can do it, Samson. आज ऐसा करतब दिखाना कि सिर्फ अनु मलिक का ही नहीं पूरी दुनिया का मुंह खुला का खुला रह जाए। कम ऑन टाइगर, कम ऑन। हेलो, हाँ क्या हाल है जरा? अच्छा हो गया वो? अच्छा सुन, मैं अभी एक इवेंट पर आया हूँ यहाँ, तो तुम लोग क्या लॉजिक पर काम कर रहे हो? अगर उसको फाइल सेव करके रखो, मैं 1-1.5 घंटे में मुझे लगता काम हो जाएगा, ये इवेंट खत्म हो जाएगा 1-1.5 घंटे में, मैं आता हूँ। ओके गुड लक। हाय सर, थैंक्स फॉर कमिंग। हाय सर, व्हाट अ प्लेजर टू बी हियर। हेलो हाउ आर यू? क्लास फॉर यू सर। थैंक यू। तो अगर आप मुझे फूल दे रहे तो आपका नाम क्या है? अंजलि सर। नाइस टू मीट यू अंजलि। और आपका नाम क्या है? जोहान सर। जोहान तुम्हें पूछना चाहिए था कि मैंने लड़की का ना पहले पूछा, फूल उसने दिया, आप फूल दे दे आपका पूछ लेता। तो इवेंट का यही है कि कहीं और है? नो सर, नियर द पूल। यही जा रहा है? यस सर। यार कलाकार कौन किधर है? सर पूछ दो बॉस से। ये सैमसन इज द वन। या हेलो अनुजीत। हेलो अनुजीत, थैंक यू वेरी मच सर। आई एम सुपर एक्साइटेड सर। आपको नहीं पता आपके यहाँ आने से मुझे से कलाकार को कितना प्रोत्साहन मिला है सर, कितनी एनकरेजमेंट मिली है सर। यू हैव जस्ट नो आइडिया। है सैमसन, पूछो कैसे? कैसे सर? मैं कलाकार हूँ सैमसन, और तुम एक कलाकार हो। राइट सर। और मैं जानता हूँ एक कलाकार के लिए जब कोई भी चीज करता है
तो कितना मायने रखता है, और तुम आज मुझे मालूम है, इनसे मैंने पता लगा है, तुम एक जबरदस्त स्टंट करने वाले हो, और ये स्टंट कितना मायने रखता है तुम्हारी जिंदगी के लिए, तुम्हारे कैरियर के लिए, तुम्हारे फ्यूचर के लिए। और मैं बताना चाहता हूँ, अगर तुम ये स्टंट उस तरह कर पाए जो मैं सोच रहा हूँ, मैं तुम्हें अपने शो एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा पर लेके जाऊंगा और तुम्हारी हौसला अफजाई करूंगा। रियली सर? तो सर मैं भी आपसे वादा करता हूँ कि मैं आज आपको अपनी बहादुरी का वो नमूना दिखाऊंगा सर, कि पूरे वर्ल्ड की ऑडियंस की आंखें फटी के फटी रह जाएंगी। एंड वन मोर थिंग सर, मैं ये सारा स्टंट आंखों में पट्टी बांध के करूंगा सर। यस, डोंट डू दैट सैमसन, डोंट टेक अ रिस्क, क्योंकि आई बिलीव जान है तो जहान है। सैमसन डोंट टेक सच अ डेंजरस रिस्क, जस्ट डू योर स्टंट जो तुम करने वाले हो, आंख में पट्टी मत बांधो प्लीज। सर ये आप कह रहे हैं? सर आप अच्छी तरह जानते हैं एक कलाकार की जान उसके कला में अटकी होती है, कला नहीं तो जान नहीं सर। मगर जान है तो जहान है ना, अगर आपकी जान ही नहीं रही तो क्या होगा? बट सर आई डोंट वॉन्ट यू टू टेक सच अ रिस्क कि कुछ हो जाए, तो जो भी करोगे आप संभल के करोगे, ये वादा मुझे दे दे। सर यू डोंट वरी, सैमसन कैन डू इट। अगर ये बात है तो संभल के करना स्टंट। ओके, आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच सर, आई वॉन्ट लेट यू डाउन सर। आई नो दैट। कहाँ जाना है? सर प्लीज स्ट्रेट ऑन। या तो आप टू सिट देयर। या ओके सैमसन, थैंक यू सर। सैमसन प्लीज, ये क्या कर रहे हो तुम? हमारा पहले से डिसाइड नहीं हुआ था। मेरे मामले में मत बोला करो प्लीज। टुडे इज माय डे, आई प्रूव दैट। सैमसन लिसन, सैमसन सैमसन तू बड़ा है हैंडसम, सैमसन तू बड़ा है हैंडसम, तुम मत हो जाना, कोई नहीं होगा तेरे लिए देने वाला रैंसम। सैमसन संभल के जा। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू चौहान, मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। शॉक लगा कैमरे में, शॉक लगा इसको शॉक लगा, और ये नजर नहीं आ रहा आदमी, हुआ कैसे? व्हाट्स हैपनिंग हियर, आई कांट अंडरस्टैंड। चलो वहां जाके देखते। वेरेजी अभी तो यही था ना, ये हम लोग वहां से देख रहे थे, यहां गया, उसके बाद कहां गया? ये मुझे मुझे कुछ अजीब लग रहा है। ये भैया तुम्हारा कोई नया नाटक तो नहीं है? खेल है क्या, ड्रामा है ये? I have my doubts about it because he was right here. यहाँ से कहाँ चला गया? Where is he gone? Stunt का part नहीं है। No, I don't trust you because यहाँ से banner में देखा, उसके बाद निकल गया। I'm going to call the CID. I'm going to call CID. Hello CID, आप foreign इधर आइए, मैं आपको अपना location बताता हूँ। There is a lot of problem here. We'll be right back.
इसका मतलब सैमसन बैनर के पीछे गया और वहीं से गायब हो गया। और जब सर हम टावर पर पहुंचे, जैसे हम टावर पर पहुंचे तो देखा वहां कोई था ही नहीं, जैसे कि सैमसन वहां से गायब हो गया। There is no Samson. Where is Samson? I could not see Samson. अच्छा। सैमसन यहां से ऊपर चढ़ा और बैनर के पास पहुंचा तो गायब हो गया। मतलब जो कुछ भी हुआ है यहाँ इस बैनर के पास ही हुआ है। मगर सर ये बैनर तो सिर्फ 1 इंच चौड़ा है और आसपास की जगह इतनी खुली हुई है, इस बैनर के पीछे छुपना तो नामुमकिन। शायद सैमसन डर गया होगा, उसने स्टंट करने का इरादा बदल दिया होगा और भागा हो। क्या फेरी, अगर उसने इरादा बदला भी होगा और भागा होगा तो कहाँ से भागेगा, चारों तरफ इतने सारे लोग खड़े हुए हैं, कोई ना कोई तो देख लेता ना उसे। हाँ सर, यहाँ छिपना नामुमकिन है, ऊपर से रोस्टम चारों तरफ से खुला हुआ है। सर ये सैमसन के गायब होने की कहानी कुछ ज्यादा दिलचस्प होती जा रही है। गायब? कहीं सैमसन का असली मकसद स्टंट दिखाने के बजाय जादू दिखाना तो नहीं था? नहीं सर, सैमसन सर तो स्टंट आर्टिस्ट थे, जादूगर नहीं। अनु जी, सैमसन के गायब होने से पहले या उस समय कोई अजीब चीज हुई थी, आपको कुछ याद है? एक हल्की सी आवाज मैंने सुनी, जैसे कोई चीज मेटल पर जब गिरती है ना, ठम करके एक आवाज आती है। मुझे लगता है कि हल्की सी आवाज सुनी और एक अचानक मैंने एक चीख सुनी, और मुझे ये भी यकीन है कि आई थिंक आई हर्ड दिस चीख, बट आई एम नॉट श्योर, क्योंकि इतना शोर था, इतना हंगामा था कि उस वक्त शायद ये चीख थी कि नहीं थी। आई वॉज लिटिल बिट कंफ्यूज। चीख और मेटल साउंड, ये सैमसन के गायब होने के बाद यहाँ से कोई बाहर तो नहीं गया ना? नो सर, जैसे आपने कहा था कि सारे गेट्स बंद करवा देना, किसी को जाने नहीं दिया सर। अभी जी सर, 4 बजे मेरी रिकॉर्डिंग है, प्लीज आई हैव टू रीच देयर। मैं जब आया था तो मैंने सोचा नहीं ऐसा हादसा होगा, और मेरी रिकॉर्डिंग में सब मेरा इंतजार कर रहे हैं। कैन आई गो प्लीज सर? ओके अनु जी, आप जा सकते हैं, लेकिन अगर कुछ पूछना होगा तो हम आपको दोबारा परेशान। सर एब्सोल्युटली, देश की सेवा के लिए अनु मलिक हर पल हरदम हाजिर है। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। खून? सर, यहां कुछ खून की बूंदे हैं बैनर के नीचे इस तरफ। जरा कैमरे से देखा। यस सर। ज्यादा खून तो नहीं दिख रहा है। खून यहाँ कहीं भी नहीं है। कहीं ये खून सैमसन का तो नहीं? सर शायद ये खून की बूंदे उस क्रू मेंबर की होंगी। क्रू मेंबर का? किसका? सर वो टीनू बैनर लगाते वक्त बैनर पे गिर गया था। कहाँ है बोला? सर उसे घर भेज दिया आराम करने। उसका जरा एड्रेस चाहिए हमें। ओके श्योर सर। और ये सैमसन, ये अकेले रहता था या फिर इसकी कोई फैमिली वगैरह भी थी? नहीं सर, सैमसन शादीशुदा था और उसकी बीवी श्रुति वो यहीं कहीं होगी। अच्छा बोलाइए सर। नहीं सर, श्रुति यहाँ नहीं है। आखिरी बार कब देखा था आप लोगों ने उसे? सर आप लोगों के आने से पहले इधर ही थी। कमाल, हम लोग जैसे आए वैसे ही श्रुति जी गायब। अच्छे टाइम है। हाँ सर, उनके खून किसका है, सैमसन का या टीनू का? बहुत से खून सैमसन का है। सैमसन का मतलब सर सैमसन को चोट लगी टावर पे गायब होने से पहले? हाँ, मगर जितनी कम मात्रा में आप लोगों को वहां पर खून मिला था उससे तो ऐसा लगता है कि सैमसन को ज्यादा गहरी चोट नहीं आई होगी। सर आप बोलिए। सर सैमसन की बीवी श्रुति का कुछ पता नहीं चल रहा है।
ना वो घर वापस लौटी और ना उसका फोन लगा है। श्रुति का पता नहीं चल रहा है तो कहीं सैमसन के गायब होने के पीछे श्रुति का भी तो हाथ नहीं। सर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। हाँ बोलो। गिरने के बाद जब मैं आराम कर रहा था तब मैंने देखा कि यान्यू मलिक नहीं, ये मेरी कामयाबी आई है मेरे दरवाजे नॉक करने के लिए। सुना? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ना सैमसन ने देख लिया तो? तुम फिक्र मत करो, मैंने पूरा इंतजाम कर लिया है। तुम्हें याद है ना तुम्हें क्या करना है? ओए टीनू, यहाँ क्या कर रहा है? ऑटो रेडी है, चल आराम कर घर से। कोई आदमी श्रुति की मदद कर रहा था। मगर सर श्रुति की मदद कौन कर सकता है? उसका तो कोई घर परिवार वाला भी नहीं। तो क्या हुआ, कोई दोस्त हो सकता है, कोई करीबी दोस्त है ना? तीनों तुमने तो उस आदमी को देखा होगा ना जिसने श्रुति की मदद की। हाँ हाँ साहब। क्या तुम उसका स्केच बनवा सकते हो हमारे लिए? जी जी बिल्कुल। गुड, निखिल ले जाओ इसे और अच्छा स्केच बनवाओ। पूरे काम करो। सैमसन जब गायब हुआ ठीक उससे पहले श्रुति का फोन कहाँ था, उसने किस किस को फोन किए थे और किसके फोन उसे आए थे सब पता लगाओ। तो श्रुति की फोन डिटेल्स मंगवा ली, फैक्स आता ही होगा। गुड जॉब। सर श्रुति ने आखिरी कॉल किसी ईशान को किया था गायब होने से पहले और ईशान का फोन यहीं पे ट्रेस हुआ है। सर ईशान का फोन यहीं कहीं आसपास है। सर इसी दिशा में कहीं आगे बढ़ रहा है। पे कुछ नहीं है सर। सर सिग्नल उस तरफ से आ रहा है। सर किसी ने पत्थर मारा। वहां तो कोई भी नहीं है सर। अरे तो फिर पत्थर मारे किसने? बचाओ बचाओ आ! आ! बचाओ बचाओ आ! श्रुति ए श्रुति इतने जल्दी कैसे गायब हो सकती है? ओह माय गॉड श्रेया 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 बहुत खून बह रहा है। श्रेया सर ईशान
प्रेशर संभाल के। ओह माय गॉड, बहुत खून बह रहा है, जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेके आओ, जल्दी जाओ। ठीक हो जाएगा जल्दी। I'm sorry, sir. Sorry? Sorry किस लिए? पिछले महीने जब दया सर गायब हुए थे तो मैंने आपके खिलाफ बहुत कुछ बोल दिया था सर। दया सर को जो गोली लगी थी वो अभिजीत सर ने चलाई थी। एक रिपोर्ट के दम पे बार बार अभिजीत सर को कसूरवार ठहराना, ये ठीक नहीं है। ऐसे यार, वो तो मैं कब का बोल चुका हूँ। मालूम है सारण के साहब ने भी मुझे सारी का कार्ड भेजा था। सीआईडी में ये सब चलता रहता है। नहीं सर, मुझे आप पर शक नहीं करना चाहिए था। बताया डॉक्टर तारिका भी मुझसे बहुत नाराज है, मुझसे बात तक नहीं कर रही है वो। तुम चिंता मत करो, तारिका को मैं समझा दूंगा। वैसे मुझे भी तुमसे सॉरी कहना है। मैंने भी तुम्हें पता नहीं क्या क्या बोल दिया था जब वो तुमसे क्रिमिनल मारा गया था, तो पता नहीं क्या निकल गया था मेरे मुंह से। बहुत बड़ी भूल है श्रेया, बहुत बड़ी भूल है। तुम्हारे जैसे समझदार ऑफिसर से नहीं होनी चाहिए थी। नहीं सर, मुझसे गलती हुई थी, आपने जो किया बिल्कुल सही किया था सर। छोड़ छोड़, जो जो हुआ उसको बोल जाते हैं, यादों को दिल में तभी रखना चाहिए जब वो यादें मीठी हों। आनिकेत, आनिकेत सर, ये देखिए सर। सैमसन, उसकी लाश यहाँ पे। सर ये मुमकिन कैसे हो सकता है सर? सर सैमसन गायब हुआ यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पे, वो भी 20 लोगों के सामने। सर उसकी लाश यहाँ कैसे पहुंच सकती है सर? अब इसका जवाब तो वही दोनों देंगे, ईशान और श्रुति। विक्रम, श्रुति और ईशान इसी घर में गए हैं। सर अंदर चले? नहीं अभी नहीं, मैं अभिजीत सर को फोन करता हूं। तुम्हारे माथे पे तो चोट लगी है, किसने किया ये सब? तुम्हारे पति ने? हाँ। अंदर आओ बहन, घबराने की कोई बात नहीं है, यहाँ तुम बिल्कुल सुरक्षित हो। आओ अंदर। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम जानते हो इसे? ये सैमसन की दोस्त है, हमें नुकसान पहुंचाने आई है यहाँ पर। देखो तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है। कोई गलत फहमी नहीं हुई है, तुम हमारा पीछा करते करते कंटेनर यार्ड तक पहुंच गई और अब मक्खियों की तरह मंडराते मंडराते यहाँ पे आ गई। घर नीचे रखो। ओह, तो तुम्हारे साथी भी आ गए।
आप जरा सब लोग को लेके अंदर जाइए। कोई कहीं नहीं जाएगा, हम लोग सीआईडी से। आप लोग सीआईडी से? सॉरी सर, आप लोग सीआईडी वाले हैं? हमें मालूम नहीं था आप सीआईडी वाले हैं। तो वो सब जाने दो, सैमसन क्यों मारा तुम लोगों ने? क्या सैमसन मर गया? ये मगरमच्छ के आंसू सीआईडी के सामने नहीं चलेंगे। उसी की लाश को ठिकाने लगाने के लिए तुम दोनों कंटेनर यार्ड में गए थे ना? ये क्या कह रहे हैं आप, सैमसन की लाश कंटेनर यार्ड में? ये लोग तो ऐसे भोले बन रहे जैसे इन्हें कुछ पता ही नहीं है। हम सच कह रहे सर, हमारा हमारा सैमसन की मौत में कोई लेना देना नहीं है सर, सच्ची। सैमसन के गायब होने के बाद अचानक वहां से चली क्यों गई तुम? कि सर अगर मैं नहीं भागती तो वो मुझे मार देता। और सैमसन तुम्हें क्यों मार डालता? हाँ सर, बहुत मारपीट करता था मेरे साथ सर, कभी लातों से, कभी जूतों से, तो कभी बेड से। ये देखिए सर। सर उसका कोई भी स्टंट फेल हो जाता तो वो मुझे मारता। मैं डर गई थी सर कि अगर ये बार भी स्टंट फेल हो गया तो वो मुझे ही मारेगा, इसलिए मैं वहां से भाग गई। सर मैं तंग आ गई थी ऐसी जिंदगी से, इसलिए मैं भाग आई। श्रुति ठीक कह रही है सर, इसीलिए इसे मैं यहाँ ले आया। यहाँ पर इस तरह की बहुत सारी महिलाएं हैं जो अपने पति के अत्याचार से पीड़ित हैं सर। अगर इन दोनों ने सैमसन को नहीं मारा तो फिर सैमसन को मारा किसने? इसके सर पर दो चोट के निशान हैं और इसकी नाक की हड्डी भी टूटी हुई और अभिजीत इसके पैरों पर भी एक चोट का निशान था, वो शायद तब लगा होगा जब सैमसन किसी टावर पे चढ़ रहा होगा। मगर डॉक्टर साहब, सैमसन को इस तरह की चोट लगी कैसे? क्या उसके किसी के साथ हाथापाई हुई है? नहीं पूर्व, मुझे लगता है सैमसन किसी चीज पर बहुत जोर से गिरा और गिरने की वजह से इसके शरीर पर चोटें आई। मगर ये दम घुटने का क्या चक्कर है? अगर किसी ने सैमसन का गला दबाया होगा तो उंगलियों के निशान मिलने चाहिए थे गले में। अभिजीत, सैमसन का दम गला दबाने की वजह से नहीं घुटा है, इसका दम घुटा है इसके फेफड़ों में ऑक्सीजन नहीं पहुंचने की वजह से। सीधा सीधा एक्सपायरेशन का मामला है। मगर सर, सैमसन की मौत दम घुटने से कैसे हो सकती है? क्योंकि उसने जो मास्क पहना था उसमें छेद था, ऑक्सीजन उसमें से आराम से पास हो सकती है। हाँ, थे तो। तो फिर यार यही गुत्थी है अभिजीत जो सुलझ नहीं पा रही है। और एक बात, हमें इनके नाखूनों में से ये मेटल के कुछ अंश मिले। मतलब जब ये हादसा हुआ सैमसन मेटल की किसी चीज को अपने नाखून से खुरच रहा था। हाँ बिल्कुल, लगता तो ऐसा ही। वो ना हो सैमसन की मौत का राज बैनर से जुड़ा हुआ है जिसके पीछे से वो गायब हुआ था। ज्योति जी, जो बैनर था वो उसके पैसे किसने दिए थे सैमसन को? सैमसन के पुराने फाइनेंसर किंगस्टन ने। किंगस्टन? ये किंगस्टन और सैमसन के रिश्ते कैसे थे? हाल ही में कोई लड़ाई झगड़ा कहा सुनी तो नहीं हुई थी इनके बीच में? सर कल ही किंगस्टन आया था और वो सैमसन से पैसे मांग रहा था। देख फालतू के बात करके मेरे टाइम पास मत करना, मुझे मेरे कल तक पैसे चाहिए। वरना क्या? सैमसन प्लीज, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? दो दोस्त बीच में नहीं बोलने का, मेरे बीच में नहीं बोलने का, डू यू अंडरस्टैंड? किसी से सीधे मुंह बात ही नहीं करता, पता नहीं किस बात का घमंड है। घमंड है अपने हुनर पे, घमंड है। I'm the number one daredevil. तेरे जैसा फालतू आदमी क्या समझेगा? तुझे मुबारक हो तेरा हुनर, मुझे मेरे पैसे चाहिए बस। एक पैसा नहीं मिलेगा तेरे को, जा यहाँ से। ये तेरा आखिरी फैसला है? आखिरी फैसला है, जो करना है कर। Come on, get lost. Samson, what's wrong with you? Shut up. You understand? Shut up. Samson, अब तेरा ये हुनर सारी दुनिया देखेगी, बहुत पछताएगा तू मुझसे दुश्मनी करके। कितने पैसे थे? 2 करोड़। 2 करोड़ तो काफी बड़ी रकम है, किसी का भी ईमान डगमगा सकता है। समझ में आना मैं क्या कह रहा हूं?
मुझे इस मामले में कोई भी गलती या लापरवाही नहीं चाहिए। किंगस्टन, जी कहिए, कौन है आप लोग? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी से? कहिए आप लोग सैमसन के मौत के सिलसिले में तो नहीं आए? अरे वाह, अरे वाह किंगस्टन साहब, आप तो बड़े समझदार निकले। हमने पूछा तक नहीं और आप समझ भी गए कि हम यहाँ क्यों आए। वाह, तो फिर आप ये भी बताइए, सैमसन का खून क्यों किया तुमने? सैमसन को मैंने मारा? मैं क्यों मारूंगा सैमसन को? सैमसन तो मेरा दोस्त था। दोस्त था? तो फिर दोस्ती और 2 करोड़ में क्या चुना तुमने? देखिए सर, दोस्ती अपनी जगह, व्यापार अपनी जगह। सैमसन ने मुझे 2 करोड़ रुपए लौटाने थे, लेकिन पता नहीं उसे ये गलतफहमी कहां से हुई कि उसका ये नया स्टंट मैं स्पॉन्सर कर रहा हूँ। कहने लगा हिसाब बराबर हुआ। हिसाब बराबर नहीं हुआ और उसने पैसे नहीं लौटाए, इसलिए तुमने उसको मार डाला। देखिए सर, जब मैंने वो स्टंट स्पॉन्सर किया ही नहीं था तो मैं उसे पैसे क्यों दूं? मैं तो सिर्फ मेरे पैसे मांगने गया था। सच कह रहा हूँ, मैंने नहीं मारा उसे। मतलब वो बैनर आपने नहीं लगवाया था? नहीं, मैंने नहीं लगवाया था। अच्छा सर, अगर किंगस्टन सच कह रहा है तो फिर ये सब किसका किया धरा हो सकता है? पूर्वी सैमसन के स्टाफ से पता लगवाना पड़ेगा कि वो बैनर कौन ले आया था, किसने लगवाया था। बेस्ट विशेस का बैनर। नीचे नीचे, धीरे से, आराम से। सर, आप और भी? सर, उस स्टंट से जुड़े हुए सभी लोगों से पूछताछ करें। किसी को भी नहीं पता ये बैनर किसने स्पॉन्सर किया। ये बैनर जिस ट्रक में आया था उसके बारे में कुछ पता चला? सर, लोगों ने ये बैनर आते हुए देखा तो था, लेकिन किसी को भी ट्रक नंबर या ट्रक ड्राइवर का हुलिया याद नहीं। तो एक भी फिंगरप्रिंट का निशान नहीं है। एक भी आदमी का फिंगरप्रिंट नहीं? शायद खूनी ने हैंड ग्लोव्स पहन रखे होंगे ये बैनर यहाँ रखते वक्त। फ्रेडी, बैनर रखने के बाद भी कितने लोगों ने हाथ लगाया बैनर पे, उनके निशान कहाँ गए? सर, उस मजदूर को भी तो चोट लगी थी इस बैनर पे गिरकर, उसका कोई नामो निशान ही नहीं है। इसका मतलब ये वो बैनर है ही नहीं, बैनर बदल दिया गया है। बताइए डॉक्टर सालुखे, आपकी क्या मदद कर सकता है? सालुखे साहब, प्लीज आप बताइए कि सैमसन का कॉस्ट्यूम कौन से मटेरियल का था? भैया, सैमसन ने जो सूट पहना था वो सूट मेटल का बना हुआ, मेटल का। मतलब मेरा अंदाजा बिल्कुल सही निकला। सो, और आपने ये जाना कैसे? कविन, सैमसन की टूटी हुई नाक और उसके सर पे लगी हुई चोट याद है तुम्हें? और वो मेटल के थ्रेड जो सैमसन के नाखूनों में मिले थे। अब पूरा केस ताश के पत्तों की तरह खुल गया है। ये प्लेटफॉर्म, ये देखो, ये खोखला है ना, अब देखना कमाल। निकालो इस। ये क्या, सिक्का तो चिपक गया? चिपक नहीं था फ्रेडी, क्योंकि ये चुंबक है। ये पूरी प्लेट चुंबक की है। निकालो इसे। वहां पर ये जरूर उस क्रू मेंबर टीनू का होगा। सर, लेकिन वो टीनू तो
बैनर पे गिरा था, तो फिर ये खून, ये निशान यहाँ इस बेस पे कैसे? क्योंकि ये बेस बैनर के ठीक पीछे था, वहां से उड़ा और सीधा टावर पे चिपक गया। सर, आपने तो मन ही मन में सारी गिनती, सारे आंकड़े बिठा दिए। जरा मुझे भी तो समझाइए, यहाँ पे हुआ क्या था? समझाऊंगा फ्रेडी, बिल्कुल समझाऊंगा, तुम्हें भी और उस खूनी को भी। क्यों बुलाया तुमने मुझे? खून पीने वाले मच्छर, तेरी हर कमजर्फ हरकत से पर्दाफाश हो चुका है, समझा या समझाऊं तुझे? बताओ क्या क्या मतलब? तेरी एक एक हरकत को ना मैं अभी इसी वक्त लाइव डेमोन्स्ट्रेशन में दिखाता हूं, फ्लैशबैक में। वो देख, देख उधर। जैसे ही सैमसन बैनर के पीछे जाके पहुंचा, उसका मेटालिक सूट चुंबक से जाके चिपक गया। कौन सा चुंबक? जो उस बैनर के पीछे लगा हुआ था, समझा? और फिर जैसे ही उस कैमरामैन को शॉक लगा, हम सबका ध्यान उधर गया, और बस फिर उसी बीच तुमने अपना रिमोट उठाया, रिमोट उठाकर तुमने बटन दबाया, और फिर क्या हुआ? उस बैनर के पीछे जो चुंबक था, वो चुंबक बेस टावर पर जाकर चिपक गया, और बेचारा सैमसन छोटी सी जगह पर जाके कैद हो गया। वाह अनुजी वाह, आपको तो म्यूजिक इंडस्ट्री में नहीं, CID में होना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, अभी आपको सब कुछ पता चली गया है, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि वो रिमोट कंट्रोल कुछ और नहीं, मेरा वॉकी टॉकी था। वाह 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 वाह, तू इंसान नहीं, तू तो जानवर है जानवर। तेरी इस हरकत को खुदा क्या, शैतान भी माफ नहीं करेगा। वो बेचारा सैमसन एक छोटी सी जगह पर चीखता रहा, चिल्लाता रहा, उसका दम घुटता रहा, लेकिन किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। अच्छा एक बात बताइए, आप आपको कैसे पता चला कि वो खून करने वाला जानवर मैं ही हूं? तुमने सैमसन की लाश को ऐसी जगह पर ठिकाने लगाया कि सारा का सारा शक सैमसन की बीवी श्रुति पर जाए, और ये काम कोई नहीं कर सकता है, कोई नहीं, सिर्फ एक आदमी कर सकता है, और वो हो तुम। सच कहा आपने, जरूरत से बहुत ज्यादा जान गया, इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा हमारे देश की म्यूजिक इंडस्ट्री को। गुड बाय अनुजी। तुम्हारा काम तो खत्म हो गया, अब उस लाइव फ्लैशबैक दिखाने वाले को लाइव मौत दूंगा। जरा अपना चेहरा तो दिखाना, हम भी तो देखें कौन है। CID यार तुम लोग भी अजीब हो, जुर्म होने से पहले ही पहुंच जाते हो, इतना ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता है। और मुझे तो डर है कि आज मेरे हाथों एक CID ऑफिसर शहीद होने वाला है। मैं तो डर गया, पर कौन जिएगा कौन जाएगा ये तो वक्त ही बताएगा। वक्त ही तो नहीं है मेरे पास, No!
जिस तरह हर खिलाड़ी का एक ना एक दिन अंत आता है, सैमसन का भी आ गया था, लेकिन उसको ये सच्चाई मंजूर नहीं थी। मुझको बढ़ावा देने की बजाय वो अभी भी खुद को ही सबसे ज्यादा महान और साहसी समझता था। इसलिए तुमने प्लान बनाया सैमसन को उसी के स्टंट के दौरान मारने का, क्यों? एक हैरतअंगेज मौत देना चाहता था, जो प्रसिद्धि उसको जीते जी नहीं मिली, उसको मौत के जरिए तोहफे में देना चाहता था। और उसी प्रसिद्धि का फायदा उठाकर अपना करियर शुरू करने वाले थे, क्यों? आखिर दुनिया को दिखाना चाहता था कि सबसे बड़ा स्टंटमैन मैं हूं, सैमसन नहीं। लेकिन दुनिया तुम्हें कामयाब और साहसी स्टंटमैन के नाम से नहीं, बल्कि एक खूनी के नजरिए से देखेगी। एक ऐसा मुजरिम जिसने अपने गुरु को मौत की गुरु दक्षिणा दी और फिर फांसी पे चढ़ गया। ले जाओ इसे। अनु जी, आज तक तो हम सीआईडी के तेज दिमाग और बहादुरी के चर्चे सुनते आ रहे थे। आज हमने अपनी आंखों से देख लिया कि सीआईडी की कितनी जरूरत है हमारे देश को। थैंक यू अनु जी, थैंक यू वेरी मच। जवान को पकड़ने में आपने हमारी बहुत मदद की। द रीजन इज वेरी सिंपल। मैं थैंक यू आपको कहना चाहता हूँ कि आपने मुझे अपने देश की सेवा करने के लिए एक मौका दिया। और हाँ, इसी वजह से मेरी जान बची है और हिंदुस्तानी मौसीकी सारी इंडस्ट्री के लिए अनु मलिक आज भी जिंदा था, जिंदा है और जिंदा रहेगा। एंटरटेनमेंट के लिए अनु मलिक कुछ भी करेगा। सर, अगर आपको थैंक यू बोलना ही है तो हम सब के लिए एक गाना गा दीजिए, क्योंकि आपने आज यहाँ पे आग लगा दी है, आग। देखिए, वाकई आप सही कह रहे हो, क्योंकि मैंने जो आपके यहाँ सीआईडी ने मुझे मौका दिया बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनने का और उससे मेरी जान बची, तो मुझे गाना तो गाना ही पड़ता है। और आपने आग का नाम लिया है तो फिर तो बनता ही है। आग लगी है, धुआं उठा है, इश्क मोहब्बत वाला, किसने मेरी जान चुरा ली, किसने मार डाला, डड़न डड़न डड़न, आला रे आला, अन्नू आला, अखी मुंबई में अपन का बोलबाला, आला रे आला, अन्नू आला, अखी मुंबई में अपन का बोलबाला, पापा तारा रा री रा तररा, ताता रा 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 रा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.